नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस, ये दोनों एग्जाम आपके अक्टूबर और दिसंबर महीने में प्रस्तावित किए गए हैं। इन दोनों ही एग्जाम में यूपीजी के लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर जो आपके 8-10 प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगा, लगभग 3 वीडियो में संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कवर कर दिया जाएगा परीक्षा वाणी जो नई बुक आई है उसके माध्यम से। तो आप यहाँ पर कंटेंट देख पा रहे होंगे, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। एक एक प्रश्न को छांट छांट कर डिजाइन किया गया, पीवाईक्यू के आधार पर हमने प्रश्नों को रखा है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है। तो आपसे पूछा गया कि गोरखपुर जो शहर है वो किस नदी के तट पर है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। यहाँ पर दिया गया घाघरा, गड्डक, राप्ती और सरयू। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, घाघरा नदी। ठीक है, किस नदी के तट पर है, तो घाघरा नदी के तट पर। सरयू नदी की बात करें तो सरयू नदी के तट पर आपका अयोध्या आता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अयोध्या शहर किस नदी के तट पर है। आप याद रखेंगे अयोध्या शहर सरयू नदी के तट पर है। बात घाघरा नदी की करें तो घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो मैप चानचुंगो ग्लेशियर से पड़ता है जो तिब्बत में है। ये नदी तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है। गड्डक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानते हैं। ये पूछा जाता है कि किस नदी को शालिग्राम नदी भी कहा जाता है, तो दोस्तों गड्डक नदी को कहा जाता है। गड्डक नदी का महाकाव्यों में सदानीरा नाम दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यूपी के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है आदित्य योगीनाथ, वो वर्तमान में गोरखपुर से ही है। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर कहाँ पर है, ये भी आपके गोरखपुर में ही है। सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर है, अयोध्या शहर है। गोमती नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं, तो आपके जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और जौनपुर शहर, ये दोनों ही आपके गोमती नदी के तट पर विद्यमान है। तो पहले प्रश्न से इतनी डिटेल हमने यहाँ पर कवर की, ऐसे ही दूसरे प्रश्न से भी हम डिटेल कवर करेंगे और इसी प्रकार संपूर्ण यूपी जीके को कवर करेंगे। तो आप सभी साथीगण चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे जिसका लिंक हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। बात करेंगे केन, वेतवा, चंबल, ये तीनों के तीनों आपकी यमुना की सहायक नदी है। आप यहाँ देखेंगे, देखिए पहला जो प्रश्न दिया गया कल्याणी, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। बात करें यमुना की लंबाई की, यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अन्य नाम की बात करें तो कालिंद्री या खुला नाला भी कहा जाता है। उद्गम की बात करें तो इसका यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है और उस स्थान का नाम है बंदरपूच चोटी से। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो चंबल, वेतवा, कैन, सोन, टॉन्स और हिंडन, ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दूसरे प्रश्न से इतनी डिटेल हमने कवर की, अब आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ। आप सभी साथीगण क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। यहाँ पर दिया गया कि गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कानपुर, हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी। अब यहाँ पर हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले इससे संबंधित डिटेल देखते हैं। गंगा से संबंधित देखिए, पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। गंगा नदी यूपी में कुल लंबाई कितनी है, तो 1450 किलोमीटर। गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से बहती है, याद रखेंगे ये टोटल 28 जिलों से होकर बहती है। प्रवेश किस जिले से करती है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और कहाँ से निकल जाती है, तो बलिया जिले से होकर ये उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती है। इसका संगम कहाँ पर बनता है, तो प्रयागराज में यह त्रिवेणी नामक संगम बनाती है गंगा यमुना से मिलकर और सरस्वती से मिलकर। अब हमसे पूछा गया है कि इसका दाहिने तट पर कौन सा नगर नहीं है। अब बात करेंगे, देखिए गंगा नदी इस तरीके से आ रही है, आप यहाँ पर समझते चलेंगे। ठीक है, दाहिने तट पर, तो जब ये नदी इस प्रकार से जा रही है, ये नदी इस प्रकार से जा रही है, तो दाहिना कौन सा किनारा हो जाएगा, ये किनारा दाहिना हो जाएगा और ये किनारा आपका बायां हो जाएगा, ये किनारा बायां हो जाएगा। तो देखिए कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर नगर कौन सी तरफ है, दाहिने किनारे पर है, ये तो दाहिने किनारे पर हो जाएगा। हरिद्वार की बात करेंगे तो हरिद्वार भी आपका कहाँ हो जाएगा, दाहिने किनारे पर हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज की और वाराणसी की बात करेंगे तो प्रयागराज भी आपका कहाँ हो जाएगा भाई, दाहिने किनारे पर हो जाएगा। वाराणसी बायां किनारा, तो वाराणसी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ,
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रटौल आम का उत्पादन किया जाता है? बताइए साथियों, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर रटौल आम का उत्पादन किया जाता है? बागपत व मेरठ, प्रतापगढ़ क्षेत्र, वाराणसी इलाहाबाद क्षेत्र या कानपुर व अलीगढ़ क्षेत्र? हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे दशहरी आम की, तो दशहरी आम का जो उत्पादन किया जाता है वो लखनऊ का महिलाबाद जो क्षेत्र है उसमें किया जाता है। लंगड़ा आम की बात करें तो ये दोस्तों वाराणसी में इसका उत्पादन किया जाता है। चौसा आम की बात करें तो इसका उत्पादन सहारनपुर में किया जाता है। अमरूद की बात करें तो इसका उत्पादन प्रयागराज में किया जाता है। आंवले की बात करें तो इसका उत्पादन प्रतापगढ़ में किया जाता है। अब यहाँ पर दिया गया रटौल आम, तो रटौल आम का जो उत्पादन किया जाता है दोस्तों वो बागपत और मेरठ की तरफ किया जाता है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी साथीगण कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका जो सही जवाब होगा ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रबड़ उत्पादन यानी कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है, तो मोदी नगर में है। बिस्किट निर्माण उद्योग कहाँ पर है, तो ये भी मोदी नगर में है। कैंची उद्योग याद रखेंगे, खेल का सामान और क्रांति नगर ये मेरठ को कहा जाता है, क्योंकि मेरठ से ही 1857 की क्रांति का उद्गम हुआ था, ठीक है। उसके बाद चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग उत्तर भारत का मैनचेस्टर या कानपुर को कहा जाता है। जेके मंदिर कहाँ पर है, जैसे जेके टेम्पल कहते हैं, ये भी कानपुर में है। भीतरी गांव का मंदिर कहाँ पर है, ये भी कानपुर में है। और दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है, तो ये बरेली में। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग, माचिस को ही दिया सलाई उद्योग कहते हैं, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बरेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के शहरों में नदियों के किनारे किस विकल्प के साथ स्थित है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा। जैसे यमुना की बात करें, जौनपुर और लखनऊ, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जौनपुर और लखनऊ ये दोनों शहर आपके गोमती नदी के तट पर है। हमने अभी आपको बताया था ये कौन सी नदी के तट पर है, ये साथियों गोमती नदी के तट पर है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर दे रहा है, गोमती नदी के किनारे आगरा, ये गलत हो जाएगा। आगरा जो शहर है वो दोस्तों यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे दिया गया है आगरा। सरयू के किनारे अयोध्या दे रहा है, तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या दे रहा है, तो आप बताइए सरयू नदी के किनारे ही तो अयोध्या है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरयू नदी के किनारे अयोध्या। और गोरखपुर किसके किनारे है, तो गोरखपुर भी राप्ती नदी के किनारे दिया गया है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, देखिए उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। देखिए बात करेंगे सबसे पहले रेलवे संग्रहालय कहाँ पर है, दोस्तों वाराणसी में दिया गया है, ठीक है। भारत में रेलवे के कुल कितने जोन है, याद रखेंगे 18 टोटल जोन है, जिनमें से उत्तर प्रदेश में कितने जोन है, तो दो जोन दिए गए, वो कौन कौन से, पहला उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में और पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, ये रेलवे के दो जोन दिए गए। यहाँ पर दिया गया कि डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर है, तो ये दोस्तों वाराणसी में हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? सारे मंदिरों को एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। देखिये तुलसी मानस मंदिर पूछा गया है, तो आइए कुछ मंदिरों पर पहले चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया हनुमानगढ़ी का मंदिर, ये आपका अयोध्या में हो जाएगा। श्रीराम मंदिर दोस्तों ये भी अयोध्या में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ है। सीता की रसोई अयोध्या में हो जाएगी। तुलसीदास मंदिर, यहाँ पर तुलसी मानस मंदिर था, यहाँ दिया तुलसीदास मंदिर, ये आपका कहाँ हो जाएगा, वाराणसी में। भारत माता मंदिर वाराणसी में, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, श्री अन्नपूर्णा मंदिर ये भी वाराणसी में, 84 घाट वाराणसी में, ज्ञान व्यापी मस्जिद ये भी वाराणसी में, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में, इस्कॉन मंदिर मथुरा में, प्रेम मंदिर मथुरा में, वाके बिहारी मंदिर ये भी मथुरा में, रामेश्वरम मंदिर प्रयागराज में, और वेड़ी माधव मंदिर प्रयागराज। ये सारे मंदिर हमने कवर कर लिए, जो हमें लगता है कि ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तुलसी मानस मंदिर की बात करें तो ये भी दोस्तों आपका कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी आपका वाराणसी में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर और स्थान सही नहीं है, बताइए कौन सा मंदिर और स्थान सही नहीं है। बात करें पहले राम जन्मभूमि अयोध्या बिल्कुल सही है, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा बिल्कुल सही है, सारनाथ मंदिर वाराणसी और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रयागराज, तो विकल्प नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर दोस्तों प्रयागराज ना होकर क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा।
यही आपको विकल्प याद रखना था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। किसको माना जाता है? वाराणसी को माना जाता है। वाराणसी सबसे प्राचीन शहरों में से आता है। देखिए वर्णा व अस की नदियों के बीच में यह पाया जाता था या जाना जाता है, जनपद है। आगरा को पेटा नगरी के नाम से जानते हैं। आगरा शहर की स्थापना 1504 में की गई थी और इसको जो राजधानी बनाया गया था वो आप याद रखेंगे 1506 में इसको राजधानी बनाया गया था। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश था, ये आपको याद रखना है। सारनाथ में दमेक स्तूप भी निर्मित है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं जो आपको लगता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयाजक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताएंगे अयाजसा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ये तो फैक्ट आपको कंप्लीट हो गया। अयोध्या को ही कौशल जनपद की राजधानी भी कहा जाता है, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अयोध्या का पुराना नाम सांकेत हो जाएगा। कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुंज हो जाएगा। कन्नौज को ही इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर हो जाएगा, ठीक है, बलवंत नगर हो जाएगा। कानपुर का पुराना नाम कानापुरम हो जाएगा, ठीक है, कानपुर का कानापुरम हो जाएगा। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। तो देखिए अब हमसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया अयाजसा किसका प्राचीन नाम है। तो देखिये कन्नौज होगा नहीं, झांसी होगा नहीं, कानपुर होगा नहीं, अयोध्या विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि फूले महाजनपदों की अवधि के दौरान सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? देखिए फूले महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, जिनमें से 8 महाजनपदों का उल्लेख उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब यहाँ पूछा गया जो सूरसेन है उसकी राजधानी क्या थी? दोस्तों मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। मथुरा को पूर्व में मदुरा के नाम से भी जाना जाता था, इसी का अन्य नाम सूरसेन नगरी व पेड़ा नगरी भी पड़ा है, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि हिंडन हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर है। सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि और कौन कौन से हवाई अड्डे, उसके बाद इस प्रश्न का जवाब देखेंगे। जैसे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में है। दोनों में थोड़ा कंफ्यूज है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर। हिंडन एयरबेस की बात करें तो ये गाजियाबाद में हो जाएगा, और हिंडन हवाई अड्डा ये भी आपका गाजियाबाद में हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? गाजियाबाद में हो जाएगा। आगे कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये बाबतपुर वाराणसी में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा ये मेरठ में है। ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके हवाई अड्डे थे जिनको आपको नोट करना है और याद करना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अवश्य बनेगा। अगला प्रश्न है लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को के रूप में भी जाना जाता है, यानी ये कह रहा है कि जो लखनऊ का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको और हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्त याद रखेंगे लखनऊ के हवाई अड्डे को जानते हैं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विकल्प नंबर सी। तब देखें राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये दोस्त आपके हैदराबाद में है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। यूपी में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल 4 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से? पहला कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अयोध्या में, तीसरा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये आपका लखनऊ में, और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में। तो ये चारों आपको याद रखने हैं कौन सा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का है कौन सा नहीं है। अगला प्रश्न है राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया स्वतंत्रता संग्राम, तो आप आराम से बता सकते हैं कहाँ पर होगा। सबसे पहले जानेंगे राज्य की संग्रहालय कहाँ पर है, ये दोस्त आपका लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वो प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर है? याद रखेंगे राज्य की संग्रहालय ये, ठीक है। राज्य की जैन संग्रहालय कहाँ पर है? तो मथुरा में हो जाएगा। राज्य की बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर और कुशीनगर में हो जाएगा। रानी महल संग्रहालय झांसी में हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये आपका वाराणसी में हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपका मेरठ में। ये सारे के सारे आपको याद रखने थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापना कला लखनऊ में स्थित है? बताइए कौन सी स्थापत्य कला दोस्त आपकी लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर देखे कुछ इंपोर्टेंट पहले समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है छतर महल, ये आपका लखनऊ में दिया गया है। रूमी दरवाजा ये भी लखनऊ में दिया गया है। शाही पुल ये जौनपुर में दिया गया है। सिकंदर बाग लखनऊ में दिया गया है। जामी मस्जिद ये आपकी लखनऊ में। भूल भुलैया या इमामबाड़ा जिसे बोला जाता है लखनऊ में।
केशरबाग पैलेस लखनऊ में, इमाम बाड़े का निर्माण आसफाक अब्दुल्ला ने किया था, सादत अली खां का मकबरा लखनऊ में। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा लखनऊ में स्थित नहीं है। तो देखिये, सिकंदर का बाग अभी हमने यहाँ पर देखा था, लखनऊ में हो जाएगा। शाही पुल यहाँ पर अभी आपने देखा था, ये आपका जौनपुर में हो जाएगा। रूमी दरवाजा लखनऊ, छतर महल लखनऊ। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाही पुल। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है चंदोली को, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। भारत में धान का कटोरा पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, धान उत्पादन के लिए द्वितीय राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये दोनों फैक्ट्री आपको अलग से याद रखने थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में झंझरी मस्जिद स्थित है, बताइए झंझरी मस्जिद स्थित है। पहला विकल्प आपके सामने दिया गया, लखनऊ, अमरोहा, जौनपुर और झांसी। आइए कुछ मस्जिदों के बारे में जानते हैं। अटाला मस्जिद की बात करें तो आपकी दोस्तों कहाँ हो जाएगी, जौनपुर में। लाल दरवाजा कहाँ हो जाएगा, जौनपुर में। जौनपुर को ही सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। जौनपुर की जो स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने भाई जौना खां की याद में इसकी स्थापना की गई थी। हमसे पूछा झंझरी मस्जिद कहाँ पर है, तो विकल्प नंबर जौनपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया मकनपुर का मेला या फरुखाबाद में लगता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही दिया गया है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अढ़ाई घाट मेला शाहजहांपुर में, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। देवीपाटन मेला बलरामपुर में, बिल्कुल सही है। कलेंजर मेला सोनभद्र में दे रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन, बिल्कुल सही है। कलेंजर मेला दोस्तों आपका बांदा में पड़ता है, कहाँ पर, बांदा में पड़ता है। कलेंजर का किला भी बांदा में है, तो विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपके सामने दिए गए, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले बात करें धुरिया की, तो धुरिया बुंदेलखंड का, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नटवरी की बात करें तो पूर्वांचल का, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कालाबाजी की बात करें तो कालाबाजी ब्रज का, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। डेडिया की बात करें तो दुआब क्षेत्र का नहीं होगा, ये फतेहपुर का होगा, फतेहपुर का हो जाएगा। ये कहाँ का हो जाएगा, फतेहपुर का, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। ये यूपी जीके की एक तरीके से मैराथन क्लास है, यहाँ पर आपका सारा कंटेंट एक साथ देखने को मिल जाएगा। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी, विकल्प आपके सामने है। देखिए पहला दिया गया स्थापना कब की गई थी, तो 30 दिसंबर 1976 को, यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 30 दिसंबर 1976 हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में थोड़ी और डिटेल दी गई, उसको भी आइए देख लेते हैं, देखिए कि आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो दोस्तों ये तो डेट आपकी क्लियर होगी कि 30 दिसंबर 1976 को। अब आगे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही भारत भारतीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो आपको फैक्ट याद रखना है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही दिया जाता है, ये भी याद रखना है। और हिंदी गौरव सम्मान भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो ये तीनों सम्मान दिए जाते हैं, इन तीनों को याद रखना है। किस किस के द्वारा दिए जाते हैं, हिंदी संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं। 1976 आपका सही विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दिया गया, जैसे दिया किशन महाराज, ये तबला वादक, बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। दूसरा है कुदऊ महाराज, सितार वादक, ये आपका गलत हो जाएगा। कब कुदऊ महाराज का जो संबंध दिया गया वो किससे दिया गया, संगीतज्ञ से दिया गया। उसके बाद बाकी जो तीनों के तीनों आपके सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, दोस्त आपसे पूछा गया उर्दू उत्तर प्रदेश में अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश को लखनऊ, माफ कीजिए, उर्दू को उत्तर प्रदेश के दूसरी राजभाषा के रूप में 1989 में स्वीकृत किया गया था। हमसे पूछा गया कि उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आप सभी साथीगण कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसमें कौन सा वर्ष हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखते हैं कितने साथी इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत खंडे संगीत संस्थान स्थित है, बताइए कहाँ पर है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत खंडे संगीत संस्थान। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो 1926 में विष्णु नारायण भारत खंडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसको डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा 2001 में दिया गया है। विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने सत्यम शिवम सुंदरम का चित्रण किया था। तो दोस्त याद रखेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम का जो चित्रण किया था वो चित्रण किया था, बताइए किसने किया था, बताइए फटाफट। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम का जो चित्रण किया था वो किसके द्वारा किया गया था। सभी साथीगण कमेंट करके जरूर बताएं, रणवीर सक्सेना, शिवनंदन नोटियाल, रामचंद्र शुक्ल या राज कपूर चितेरा। देखते हैं, सत्यम शिवम आपने कई बार सुना होगा, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। देखते हैं कितने साथी कमेंट करके बताते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। इसका जो सही जवाब होगा वो आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर पूछा गया नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, पहले बात करें पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर होती है, आपका दोस्तों आगरा में हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर होती है, रायबरेली फुर्सतगंज में हो जाएगी। राजीव गांधी, उसके बाद यहाँ पर दिया राजीव गांधी विमान विश्वविद्यालय, ये भी आपका रायबरेली में हो जाएगा। तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, बताइए फटाफट कमेंट करके, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बीरबल सहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। बाकी बचे हुए प्रश्नों को आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान परिषद लखनऊ में, राजकीय वनस्पति अनुसंधान परिषद लखनऊ में, केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान परिषद लखनऊ में, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, साकबाजी अनुसंधान वाराणसी में, केंद्रीय पान अनुसंधान महोबा में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, महोबा वाराणसी, बाकी सारे के सारे लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है। बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश में तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है। तो दोस्त याद रखेंगे, तीर्थों का राजा आपसे पूछा गया है। देखिए इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज को, इसे ही संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी हरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। बताइए हरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, बताइए फटाफट। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट समझते हैं। स्वामी हरदास का जन्म 1535 में अलीगढ़ में हुआ था, ठीक है, 1535 में अलीगढ़ में हुआ था। इनका तथा इनका जीवन वृंदावन में बीता था, ये भी आपको याद रखना, हरदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। तो क्योंकि इनका जन्म आपका कब हुआ है, 1535 में, तो अकबर और इनका समकालीन समय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इनका जो द्रुपदीय धारा के शैली के विकास किया था, और स्वामी हरदास के शिष्य की बात करें, तानसेन बेजू बाबरा इनके प्रमुख शिष्य थे। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान है। दोस्त हमसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न मामले में, तो दोस्त एक तरीके से इसका प्रथम स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आलू के उत्पादन में प्रथम, गेहूं के उत्पादन में प्रथम, अनाज और खाद्यान्न के उत्पादन प्रथम, चावल के उत्पादन में द्वितीय, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल गेहूं है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न और, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करें तो शारदा नहर हो जाएगी। पूर्वी यमुना नहर की सर्वाधिक खुदाई शाहजहां ने करवाई थी, ठीक है, 1661 में। यमुना नहर का उत्तर प्रदेश में प्रवेश सहारनपुर से और फैजाबाद नामक स्थान से होता है। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार से, उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर का उद्गम नरोरा से होता है। हमसे पूछा गया सबसे पुरानी नहर कौन सी है, यमुना नहर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1930 में नलकूप से सिंचाई का सबसे पहले प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था। तो नलकूप से पूछा गया कहाँ पर किया गया था। एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो उत्तर प्रदेश में ही नलकूपों के माध्यम से होती है, लगभग 75%, और नहरों से 15% उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। अब आप बताएंगे इस प्रश्न का जवाब, तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई सबसे पहले कौन से जिले में हुई थी, कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। बताइए संभल जनपद में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बाबर के सेनापति मीर बेगम के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्पष्ट तरीके से दिया गया, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर भाकी ने करवाया था। तो ये मीर बेग है जिसके द्वारा संभल में करवाया गया था जामा मस्जिद का निर्माण, और ये मीर भाकी है जिसके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में करवाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, इलाहाबाद के सबसे बड़े अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किस नाम स्वतंत्र सेनानी के नाम पर कर दिया गया है।
यहाँ पर अल्फ्रेड पार्क का नाम रख दिया गया, चंद्रशेखर आजाद पार्क, ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि काकोरी केस के किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। ये पूछा गया कि गोरखपुर में किसको सजा दी गई थी, तो सबसे पहले जानेंगे काकोरी घटना के बारे में। काकोरी घटना 9 अगस्त 1925 को घटी थी। वर्तमान में इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इसमें 3 लोगों को फांसी 19 दिसंबर 1927 को दी गई थी, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद की जेल में और रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में दी गई थी। तो हमसे पूछा गोरखपुर की जेल में किसको दी गई थी, तो विकल्प हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार आपसे पूछा गया है। आइए समझते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे 1984 में हुई थी। यह चंदौली जिले के अधीन आता है। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार भी है, ठीक है। इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज में है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, कौन सा, लाख बहुसी पक्षी विहार, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है, ठीक है, कौन सा, पटना पक्षी विहार है जो एटा जनपद में पड़ता है, यह एटा जनपद में आता है, तो विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है, नौटंकी भी उत्तर प्रदेश में होता है, कौन सा, नौटंकी, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, खनिज से प्रश्न उठाया गया है डोलोमाइट के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई, ये आई थी 1998 में। तामा कहाँ निकलता है, ललितपुर में। चूना पत्थर कहाँ निकलता है, मिर्जापुर प्लस सोनभद्र में। हीरा बांदा और मिर्जापुर में। कोयला सोनभद्र या सिंगरौली में। डोलोमाइट देखिए यहाँ पर भी दिया गया डोलोमाइट, और डोलोमाइट निकलता है मिर्जापुर और सोनभद्र में, यहाँ पर सोनभद्र दिया गया, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम ललितपुर में। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। सीमेंट के कारखाने, पहले बात करें अफीम के कारखाने कहाँ पर है, फैक्ट्री, ये गाजीपुर में। एल्यूमिनियम का कारखाना कहाँ पर है, एल्यूमिनियम का सोनभद्र में। और डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर है, तो वाराणसी में। इसी प्रकार हमसे बात की गई सीमेंट कारखाने की, तो चुर्क में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप सभी साथीगण कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, किसमें देंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और आप ये भी बताएंगे कि क्लास कैसा लगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।